नमस्कार दोस्तों, आइए एनालिसिस करते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, एंड वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा। आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, जैसे कल हमने डाटा रीड किया था, एनालिसिस करने की कोशिश की थी कि कल मार्केट ऊपर आती गई, पुट्स में एडिशन होती गई, सेम केस सेम सिनेरियो आज भी रहा। मार्केट गैप अप ओपन हुई, लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा, आज जो पुट्स थी उसमें इवन 1.5 लाख 2 लाख% का इंक्रीज भी था किन स्ट्राइक्स पे। जहां मात्र कल 10 कंट्रैक्ट थे या 15 कंट्रैक्ट थे पुट में, आज वहां पे जो क्वांटिटी थी वो लाखों में पहुंच गई जब सुबह मार्केट ओपन हुई। तो इस वजह से क्या हुआ, आज भी मार्केट में तेजी बरकरार रही। जो 3 दिन पहले तक आप लॉन्ग की पोजीशन देख रहे थे, अब वो शॉर्ट में क्रिएट होना शुरू हो गई है। तो उसी का जो फायदा है, ये जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं जिनको मैं लुटेरा कहता हूं, ये अपनी लूट जो है जारी रखते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज आप देखिए कि क्या हुआ, रिटेलर बीरिश हो गया कहीं ना कहीं। जी हाँ, रिटेलर बीरिश पोजीशन लेके गया है। बीरिश पोजीशन का मतलब सिर्फ दिमाग में पुट घुस रही है। वहीं एफआईआई मिक्स व्यू लेके गया है, बुलिश से मैं मिक्स व्यू बोलूंगा। वहीं प्रॉस जो है ये भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, बुलिश टू बीरिश, कुछ बुलिश लेके गए हैं, कुछ बीरिश लेके गए हैं। और डीआईआई दिए, इनका भी व्यू मैं मिक्स ही बोलूंगा। वहीं चलिए सीधा नेट डाटा पे देखते हैं कि क्या कामकाज हुआ है। रिटेलर अब इनके पास जो है 743 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंडेक्स फ्यूचर में। वहीं डीआईआई ने नंबर फिर से आज बढ़ा दिया, मार्केट काफी ऊपर आ गई। इनको लगा कि जो हमने कवरिंग की है उसको दोबारा से शॉर्टिंग करना चाहिए। इन्होंने 35,762 कॉन्ट्रैक्ट जो है नंबर ले आए हैं। वहीं एफ आई आई 47,358 कॉन्ट्रैक्ट है अब इनके पास, नंबर इन्होंने आज कम किया है। जिस जिस को माल चाहिए था उसको इन्होंने सप्लाई कर दिया। और प्रॉस, इनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने भी नंबर कम कर दिया। अब इनके पास 12,339 कॉन्ट्रैक्ट है। इनको भी लगा कि शायद कल गलत हो, जोश में आगे इन्होंने अच्छी खासी शॉर्टिंग कर दी है। तो वैसे प्रॉस जो है इंडेक्स में इतना शॉर्ट रहते नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, अपना नंबर कवर करने में ही समझदारी समझी। वहीं रिटेलर आप देख सकते हैं 44,714 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके पास काल के हो गए हैं। वहीं डीआईआई 267 कॉन्ट्रैक्ट हैं, एफआईआई 42,460 कॉन्ट्रैक्ट हैं। और प्रास आज फिर से अपनी करतूत पे उतर आए हैं, अब इन्होंने 87,441 कॉन्ट्रैक्ट ये राइट कर दिए हैं। इनको लग रहा है कि मार्केट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, अब ये अगले 2 दिन जो है उसको डाउन करके कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं रिटेलर देखिए, पुट में 24,314 कॉन्ट्रैक्ट हैं। मतलब रिटेलर की तरफ से देखिए कोई इतनी हरकत है नहीं है, ये थोड़ी सी अच्छी बात हुई है। हालांकि इन्होंने आज दोनों तरफ लेने की सौदे कोशिश की, लेकिन कोई इतनी उथल पुथल आज नहीं मचाई। शायद कल मचाएंगे क्योंकि कल बुधवार है और उसके बाद वीरवार को वीकली एक्सपायरी भी है। DIIs 9,853 कॉन्ट्रैक्ट हैं। FIIs नंबर पुट में भी इन्होंने बढ़ा लिया, कॉल में भी बढ़ा लिया। अब इनके पास 1,13,299 1,13,299 कॉन्ट्रैक्ट हैं। और प्रॉस के पास 1,47,466 कॉन्ट्रैक्ट हैं, नंबर इन्होंने यहाँ भी बढ़ा दिया। मतलब अब मैदान में पूरी तरह से प्रॉस जो है वो कूद गया। या तो वो कोशिश करेगा एक्सपायरी को रेंज बाउंड करवाने की, तो या ऊपर के लेवल पे लेके जाने की। तभी उसने क्या किया, आज अपने कहीं ना कहीं इंडेक्स कवर किए हैं और क्वांटिटी जो है पुट में बढ़ा दी है। वहीं रिटेलर आज फिर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में नंबर बढ़ाया है, अब इनके पास 5,62,615 कॉन्ट्रैक्ट हैं। DIIs 7,83,573 कॉन्ट्रैक्ट हैं और FIIs 1,50,814 कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्लियर देखिए आपने, इन्होंने इंडेक्स में भी प्रॉफिट बांधा है फ्यूचर में, और यहाँ पे भी स्टॉक फ्यूचर में भी प्रॉफिट बांधा है। और प्रॉस 70,144 कॉन्ट्रैक्ट है अब इनके पास, नंबर इन्होंने क्या किया है, अपना हल्का सा कम किया है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट ऑप्शन चेन की बेसिस पे कैसे कामकाज कर सकती है। वहीं दोस्तों देखिए, FIIs ने आज जो है
इतना देखो कि डर गया, पैन ही नहीं चल रहा। 6181 करोड़ की बाइंग की है, सामने से DIA ने 23035 2037 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब नेट जो है FII यहाँ पे 4000 करोड़ का माल खरीद के गए हैं, जो मार्केट में डाल के गए हैं। वहां पे देखिए FII ने जो है फ्यूचर में इंडेक्स में लॉन्ग बुक की है, और यहाँ पे कैश में जो है माल खरीदा है, तो आने वाले दिनों में शायद मार्केट को ये तेज रख सकते हैं। वहीं कल की रेंज देखने से पहले अभी देख लेते हैं क्या है। इंडियन मार्केट की तेजी को देख के लग रहा है डो को भी बुखार आ गया। आप ये देखिए अभी जो है काफी ऊपर चल रहा है, ऑल्दो ये मार्च के हैं लेकिन फिर भी 400 पॉइंट ऊपर है। S&P नासडाक सब ऊपर है काफी अच्छे, और हमारी निफ्टी को भी जो है अभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। SGX क्या पता सुबह आते आते ये जो है गैप अप हो जाए। वहीं अब चलिए सीधा ऑप्शन चेन पे देखते हैं कि निफ्टी कल क्या कर सकती है। निफ्टी की क्लोजिंग अगर आप देखोगे 14,650 के लेवल पे हुई है, तो अब हम सीधा चलते हैं लेवल पे 14,650। हाँ तो ये कुछ रेंज यहाँ पे आई है। अब देखिए हुआ क्या है, कॉल पे देखो, ये कॉल देखो और ये देखिए, ये यहाँ पे हर जगह आपको अनवाइंडिंग नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे एडिशन है। ये सारा एडिशन जो तेजी है ये हमारे रिटेलर्स करके गए हैं, क्योंकि कॉल वो उन्होंने खरीदी है और प्रॉस ने जो है वो बेची है। अब और पुट में क्या है, पुट भी उन्होंने बेची है, तो 14,600। अब मैं जो आपको समझा रहा था वो आप देखिए, 14,600 पे 26,000 का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से 25,562 कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। मतलब कल तक तकरीबन यहाँ पे मात्र 900 कॉन्ट्रैक्ट थे, और जिसमें से आज बढ़ के फिगर देखो यहाँ पे क्या हो गया। वहीं आप देखो यहाँ पे मात्र 3,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, 27,500 का फिगर आज जुड़ा है। 14,400 पे देखो ये, तो ये सारी राइटिंग प्रॉस ने की है, तो मुझे नहीं लगता कि वह ज्यादा यहां से नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके ऊपर सस्टेन करेगी यहाँ के तो तभी उनको मुनाफा है, और यहां आएगी तो उनको लॉस है। तो मुझे लग रहा है कि अभी 14,600 ही आपको जो है ये सपोर्ट का काम करेगा फिलहाल इस एक्सपायरी के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे जाती भी है किसी कारणवश तो ऊपर आ जाएगी, और अगर नीचे जाती है और यहां पे और एडिशन बनना शुरू हो जाता है, फिर काल में बनना शुरू हो जाता है, आपको यहाँ पे इस लेवल पे नजर रखनी होगी कि क्या होता है। वहीं 14,700 फिलहाल अभी रेजिस्टेंस है, जहां 35,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 35,000 कॉन्ट्रैक्ट है तकरीबन, जिसमें से 18,000 आदि जुड़े हैं। तो 14,700 और अगर 740 के ऊपर टिकती है तो फिर ये आपको जो है 800 की तरफ जाते हुए नजर आएगी और यहीं कहीं रुक जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आज आपने देखा जो आज का हाई है, गैप अप होती है तो वही कोई हाई बनेगा या उसी के आगे पीछे घूमेगी, तो फिर जो है नीचे की तरफ आ जाएगी 14,600 700 720 740। लेकिन अगर 740 कट गया तो फिर आपको 800 की तरफ जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, फिर क्योंकि फिर आप देखोगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा 14,700 पे। जो आज आपने ये फिगर देखा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब आप इस लेवल पे भी देखिए, मात्र कल 11,187 कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से ये यहाँ पे फिगर मात्र 1,000 का था, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट, और बाकी जो है वो आज जुड़े हैं। तो जो कल की रेंज रह सकती है वो तकरीबन 14,600 से लेके 14,800 की कुछ ऐसी रह सकती है, और मुझे लग रहा है कि कल भी जो है आपको एक वोलाटाइल सेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली सेल ऑन राइज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ लेवल्स एंड बाय ऑन डिप्स अगेन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन ऑफ लेवल्स, आप ये करके चलना, आपको जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। वहीं चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी ने क्या किया है आप देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है तकरीबन 34,267। प्रीमियम यहाँ पे भी अच्छा था, 34,000 ये कुछ रेंज यहाँ पे निकल गया है। वहीं आप यहाँ पे भी देखो क्या, यहाँ पे भी 24,000 ओपन इंटरेस्ट, जिसमें से तकरीबन 20,000 कॉन्ट्रैक्ट आ जुड़े हैं। वॉल्यूम आप
वॉल्यूम पे भी नजर मारो, ये 34,000 पे ये वॉल्यूम, इतने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। आप हर जगह लोगे 33,500 पे 25,000, जिसमें से 23,000 मतलब कल मात्र यहाँ 2,000 कॉन्ट्रैक्ट थे, ये सारा एडिशन आज हुआ है, यहाँ भी ये सारा एडिशन आज हुआ है। वहीं कॉल साइड में आप देखिए 34,000 पे कॉल में ये जाके एडिशन हुआ है, ये कॉल सारी सप्लाई जो है ये हमारे प्रॉप की कारस्तानी है। तो कल के लिए जो ऊपर रेंज रह सकती है 34,500 की रह सकती है, और नीचे सपोर्ट जो है वो 34,000 की है, इवन 34 यहाँ पे भी आप देखो, और मार्केट ने इसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो अगर यहाँ पे भी एक बार आप मान के चलोगे, वैसे तो रेजिस्टेंस यही है 34,000 अपने आप में, लेकिन इसके ऊपर की क्लोजिंग आई है और गैप अप होती है, तो एक बार के लिए आपको ये इस तरफ आती हुई नजर आनी चाहिए। जैसे आज ये 34,700 कुछ का था और वहां से नीचे आई है, और यहाँ पे सारी ये जो कॉल्स हैं, ये सारी कॉल्स जो हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी हमारी प्रॉस ने सप्लाई की है। तो आपको 34,500 पहला रेजिस्टेंस का लेवल है, और अगर ये कट गया 34,500 और 34,650-700 के ऊपर सस्टेन की करनी शुरू कर दिया मार्केट ने, तो आपको ये कहीं इस लेवल की तरफ जाते हुए नजर आएगी। तो एक्सपायरी जो है, फिर जो एक्सपायरी का मूव है वो देखना पड़ेगा कि क्या इधर होती है या इसके भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि ये सारे जो कॉल राइटर्स हैं, ये इसके नीचे वाले, ये सब डेंजर में आ जाएंगे, तो ये मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की ताकत रखते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कहीं पे कुछ भी नहीं है, कहीं सॉलिड नहीं है, तो यहाँ पे 34,000 से 34,500-700 ये कुछ रेंज रह सकती है, या मार्केट अगर नीचे की तरफ, जैसे आज आपने देखा था 33,800 की तरफ भी आई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कंफर्ट नहीं थी, तो यहां से फिर क्या आगे 34,500 की तरफ आ गई। तो बड़े प्लेयर अपनी लगे हुए हैं अभी नोट छापने में, तो या आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि या तो मार्केट को बैठ के दूर से दर्शन करो कि जब टॉप बनेगा तो फिर वहां से हम पुट लेके चलेंगे, क्योंकि वहां पे आपको अच्छी कमाई होगी, नहीं तो अभी तो हालत ये है, आप ये देख सकते हो, ये सारे रेट देखो पुट के कहां जा रहे हैं, ये कोई भी पुट मतलब 33,400 की कल तक जो 3,000 रुपया रेट था आज 103 रुपया रह गया, ये सारी चीजें आप देखो, वो सारी किस लिए हो रही है, क्योंकि पुट में बाइंग अच्छी खासी चल रही है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि कल आपको इस एनालिसिस के बेसिस पे कुछ मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।